टोक्यो ओलंपिक में छठा स्थान हासिल करने वाली कमलप्रीत कौर पहुंची पटियाला। प्लेयर में भारी उत्साह, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की तरफ से किया गया सम्मानित। टोक्यो ओलंपिक में डिस्कस थ्रो में छठा स्थान हासिल करने वाली पंजाब की बेटी कमलप्रीत कौर ओलंपिक से लौटते ही पहले अपनी कर्म भूमि यानी के NIS में पहुंची। यहां पर बच्चों खिलाड़ियों में भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं जिला खेल अफसर की अगुवाई में दूर दूर से आए हुए कोच और खिलाड़ियों ने उन्हें सम्मानित किया। पत्रकारों से बात करते हुए कमलप्रीत कौर ने बताया कि मेरे लिए बहुत फखर की बात है कि मैं यहां तक पहुंची। अगर सरकारें हर खिलाड़ी को पूरा सहयोग दे तो हम भी मेडल लेकर आ सकते हैं। पटियाला के बाद मनप्रीत कौर सीधा अपने गांव पहुंचेगी, जहां पर उसका सम्मान समारोह रखा हुआ है। हाँ जी मैडम, आज तुसी पटियाले पहुँचे हो, तुहाडा बहुत स्वागत किया जा रहा है, कि कहोगे? मैनू बहुत ज़्यादा खुशी है कि सर मैं पटियाला पहुँची, मेरा एडा वड्डा भरवां स्वागत किया गया। मैं स्पैशली थैंक यू करती सर, इतने जिहड़े बच्चे आए हैं, जिहड़े ऑफिशियल स्टाफ आए हैं, तो स्पैशली थैंक यू सर DSO सर का, जिन्होंने एडा वड्डा मैनू सम्मान दिता सर। जी जिस तरह कि तुसी 6वां रैंक हासिल किया, देश की धियां लई एडा गौरव जिहड़ा तुसी क्रिएट करता, की कहोगे धियां दे लई? सर मैं यही उन्होंने कहूँगी, अपना एम तो अपना एक जो कॉन्फिडेंस है अपने बना के रखो। कोई भी जो आप मुकाम हासिल करते कोई भी मतलब वड्डा नहीं है, जे तुहाड़े मन में इच्छा है कि तुसी कुछ भी कर सकते हो। ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਓਲੰਪਿਕਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਏਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਏਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਏਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਚ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, 'ਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਯੋਗ ਰਿਹਾ ਇਸ 'ਚ। मैम नाम कीजिए। हाँ, मेरा नाम राखी त्यागी है और मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कोच हूँ और कमलप्रीत की कोच हूँ। जी, जिस तरह की कमलप्रीत जी का उन्होंने कहा कि मेरे कोच का बहुत बड़ा योगदान है, किस तरह की गेम सी उन्होंने? कमल, जैसे कि होता है कि एक खिलाड़ी को शौक़ होता है बचपन से ही ना, काफ़ी शौकीन थी खेलने की, और वो शौक़ उसका प्रोफेशनल उसमें बदलता चला गया, और वो बहुत मेहनती बच्चा है, इसलिए उसको जो है रिजल्ट्स जो है टाइम टू टाइम मिलते चले गए। और रही बात उसकी पैशन की, तो वो बहुत पैशनेट है डिस्कस को लेकर, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो हम और बेहतर करेंगे। जी, जी।